गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बीए थर्ड ईयर जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो पोएम दी गई है हिरोशिमा, जो अगैया के द्वारा लिखी गई पोएम है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब चूंकि एग्जाम नजदीक है तो मैं इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जो एक लॉन्ग प्रश्न होगा। पहले आप ये समझिए कि हिरोशिमा जो कविता है, ये हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका के द्वारा गिराए गए परमाणु बम के ऊपर लिखी गई कविता है, ये जिसमें कवि ने इसकी भर्थस निंदा करी है। ही बैडली क्रिटिसाइज्ड इन दिस काइंड ऑफ क्रूयल एक्ट एंड ही ट्राइड टू एक्सप्लेन इन द पोइम व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ही फेल्ट देयर, यानी उसने किस तरह का अनुभव वहां पर महसूस किया है उसके बारे में लिखाया है। अगैया ने कहा है कि यह सूर्य जो उदय हुआ वो शहर के मध्य में उदय हुआ और वो सूर्य जीवन देने वाला सूर्य नहीं था। परमाणु बम जैसे ही गिरा पूरा शहर एक गैस के गुब्बारे में तब्दील हो गया। चारों तरफ मौत की चीखें थी और लोग छाया के रूप में तब्दील हो गए थे, कोयलों की तरह जल चुके थे। हर गली नुक्कड़ चौराहे पे चारों तरफ इंसान के लाशें लाशें और उनके शरीर के अंग बिखरे हुए थे। तो कवि इसकी भक्तर्ष इसकी आलोचना करता है और वो समय इसके माध्यम से हमें समझा रहा है कि हमें परमाणु बम का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। अगैया ने हमारा ध्यान इस तरफ भी आकर्षित किया है कि अभी वर्तमान समय में हर देश परमाणु बम को बनाने में अग्रसर हो रहा है और इस दौड़ में सब लगे हुए हैं, लेकिन इसका प्रभाव कितना भयानक होता है मानव जाति के ऊपर उसका उन्हें अंदाजा नहीं है। इस कविता के माध्यम से इन्होंने हमें परमाणु बम का प्रयोग न करने और उनके न बनाने पर जोर दिया और कहा है कि संसार की संपन्नता शांति में निहित है, इसीलिए हमें प्रेम व शांति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो हिरोशिमा एक ऐसी कविता है जिसमें कवि ने इस परमाणु बम की भर्तृस आलोचना करी है और इसके माध्यम से मैं समझाना चाह है कि वी डू नॉट यूज एनी एटॉमिक बॉम्ब ऑन एनी काइंड ऑफ पर्सन एनी काइंड ऑफ कंट्री या स्टेट, हमें किसी पर भी इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कवि ने वहां जाकर के खुद महसूस किया, जो उसने देखा उससे उनका दिल रुक गया और वो बहुत ही दुख और पीड़ा में डूब गए और उसे लेकर के उन्होंने एक कविता लिखी है और इस कविता के माध्यम से हमारे सामने उस दृश्य को उन्होंने प्रकट करने की कोशिश करी है जो उन्होंने वहां पर महसूस किया। तो एक बहुत अच्छी मार्मिक कविता है ये, जिसमें कवि ने खुद अनुभव किया है और हमें वर्तमान समय में जो प्रतिस्पर्धा का दौड़ है परमाणु बम आदि के प्रयोग करने पर उनकी इसमें आलोचना की गई है और इसमें एक निवेदन भी कहा गया है कि हमें परमाणु बम आदि का प्रयोग बंद कर देना चाहिए, क्योंकि विश्व की शांति विश्व का सुख जो है वो आपसी प्रेम भावना से ही बंधा हुआ है। इसीलिए इन्होंने हमेशा मनुष्य के आपसी प्रेम उनके आपसी सद्भाव और आपसी भाईचारे पर ज्यादा जोर दिया है और उन्होंने यही कहा है कि संसार की समृद्धि शांति में निहित है प्रेम भावना में निहित है। अब इस कविता से रिलेटेड कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं मैं आपको इसमें लॉन्ग प्रश्न के बारे में बताना चाहूंगा, उसका आंसर आप कैसे लिखें उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक प्रश्न है, राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन अबाउट द पोएम। अगर इससे रिलेटेड कोई लॉन्ग प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन का प्रश्न इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यह एक आलोचनात्मक प्रश्न होता है जिसपे हमें इसकी विषय बिंदु की और इस पे दिए गए जो टेक्टिक्स है जो कवि ने जो हमें समझाना चाहा उसके बारे में चर्चा की जाती है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो जब आप इस प्रश्न का आंसर करें तो सबसे पहले आप इसमें पॉइंट लिखे इंट्रोडक्शन अबाउट द पॉइंट को लेकर के आप लिखें, पॉइंट का इंट्रोडक्शन लिखें, फिर सेकंड पॉइंट में आप इंट्रोडक्शन अबाउट द पॉइंट लिखें, फिर समरी ऑफ द पॉइंट लिखें, समरी ऑफ द पॉइंट लिखें, चौथा पॉइंट आप लिखे थीम एंड प्लॉट, थीम एंड प्लॉट ऑफ द पॉइंट, ये चार पॉइंट
पॉइंट, इन चार पॉइंटों के माध्यम से आप इस कविता को अधिकतर डिस्क्राइब करने में सफल होंगे। इन चार पॉइंटों के बाद में पांचवा पॉइंट लिखे, पॉइंट पर्सनल एक्सपीरियंस, पॉइंट पर्सनल एक्सपीरियंस पेन एंड सोरो, यानी कि वहां जाकर कवि ने क्या महसूस किया, और फिर लिखे आप इसमें पॉइंट मैसेज इन द पॉइंट कि कविता ने कवि ने क्या मैसेज दिया है, और साथ में लिखे पॉइंट क्रिटिसाइज टू यूज और एटम बॉम्ब पर कवि ने इसकी आलोचना करी है, और आठवां पॉइंट आप इसमें लिखे कंक्लूजन, और नौवां पॉइंट इसमें लिखे आप क्रिटिकल कमेंट। क्रिटिकल कमेंट में आप पोइम की स्टाइल क्या है, पोइम की थीम क्या है, पोइम में किस तरह का साउंड है, इसकी राइम क्या दी गई है, और पोइट की विश क्या है इसमें, पोइट के पेन सोरो क्या है इसमें, और प्रेजेंट कंडीशन के बारे में आप जरूर लिखे कि वर्तमान समय में किस तरह की होड़ अन्य देशों के बीच चल रही है। इस तरह से जब आप इस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देंगे, ये 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो जब आप इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे तो आपके पेजेस वगैरह भी क्लियर होंगे, और आप पॉइंट टू पॉइंट इनके डिस्क्राइब करने पर आपका आंसर नीट एंड क्लीन साफ दिखाई देगा। एग्जामिनर ये जरूर महसूस करेगा इसे पढ़ करके कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं, तो एग्जामिनर को आप समझाने में अच्छी तरह से सफल हो पाओगे। तो डियर स्टूडेंट, हिरोशिमा अगलिया के द्वारा लिखी गई बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, इस साल इससे रिलेटेड प्रश्न आने की बड़ी संभावना है। अगर कोई प्रश्न इसमें से आता है तो आप इन पॉइंटों से इस पॉइंट को डिस्क्राइब करने का प्रयास करें और वर्ड लिमिट को कंप्लीट करने का प्रयास करें। अगर इस तरह से आप लिखेंगे तो आंसर आपका नीट एंड क्लियर दिखाई देगा, आप जो बताना चाहते हैं वो एग्जामिनर अच्छी तरह से समझ पाएगा, और बारीकी से इसके बारे में आपको डिटेल भी डिस्क्राइब करनी है, और आप इसके लिटरेरी फैक्ट्स, लिटरेरी टर्म, इन सब के बारे में से हम हमारे इस पोएम को कंप्लीट कर पाएंगे और आप एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। अब हम इसके टेक्स्ट की बात करते हैं, तो इसका टेक्स्ट हम कल नेक्स्ट वीडियो में इसके लाइन टू लाइन इसके टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप इस वीडियो में जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस कविता की मुख्य विषय वस्तु जो है वो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो परमाणु बम का प्रयोग किया गया और उनके प्रयोग से वहां पर मानव जीवन की क्या क्षति हुई और संसार में किस तरह का संदेश गया है उसको कवि ने यह समझाना चाहा है। और इस तरह का प्रश्न 20 नंबर का अगर आता है तो हमें बिना पॉइंटों के आंसर नहीं लिखना है, विद पॉइंटों के आपको आंसर लिखना है। किसी तरह की भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई समझ में नहीं आता है, तो आप वीडियो में आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में अब हम इसकी पॉइंट को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।